जेबीयू लाइव भोजनों की बुलंद आवाज। ये हकीकत है कोई कहानी नहीं, भीम सोना है सोने का पानी नहीं। आंख में आंसू आ जाता है जब बाबा साहब अंबेडकर का वो दर्द हम याद करते हैं, जिसके बच्चों को कफन का भी कपड़ा नहीं मिला, जिसके बच्चे बीमारी से मर गए। उस बाबा साहब ने लिखा है, अपनी कलम से लिखा है कि भारत में कोई भी नेता मैं जितना मैंने गरीबी देखा है। बाबा साहब कहते जितना मैंने गरीबी देखा है भारत के किसी नेता ने नहीं देखा। 18 मार्च 1956 में रामलीला मैदान आगरा में बाबा साहब कहते हैं मैं बीमार रहने लगा हूं, मैं एक विशाल तंबू में एक बंबू सा अकेला खड़ा हुआ हूं, मैं अपनी जिंदगी में कोई एक नौजवान ऐसा तैयार नहीं कर पाया हूं, मुझे कोई ऐसा बेटा नहीं दिख रहा है जो मेरे पास आके मुझसे कहे बाबा साहब आपके इस कारवा को मैं बढ़ाऊंगा। ऐसा कोई माई का लाल कोई बेटा ऐसा नहीं मिला, बाबा साहब दुखी होकर कहते हैं ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे युवाओं, ऐ मेरे छात्रों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे किसानों, बाबा साहब ने सबके लिए कहा था, ऐ मेरे पढ़े लिखे लोगों, इस कारवा को जो कारवा भगवान बुद्ध ने शुरू किया था कवि आर्यों के खिलाफ, यज्ञ नीति हुआ करती थी, यज्ञ नीति को रोकने के लिए, पशु बलि को रोकने के लिए पहला आंदोलन, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं पहला आंदोलन इस धरती की पर किसी ने चलाया था तथागत गौतम बुद्ध ने चलाया था आर्यों के खिलाफ। उस कारवा को मैं भगवान बुद्ध के उस कारवा को, उस फूले के कारवा को, साहू के कारवा को, संत कबीर रविदास जी के कारवा को, वीर मेघ माया के कारवा को जहां तक लेके आए हैं, इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐ मेरे भाइयों इसे किसी भी कीमत पे पीछे मत जाने देना, बाबा साहब ने कहा। और वो दर्द कैसे कहा बाबा साहब ने, बड़ा दर्द था उस गीत में, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब कहते हैं अरे मैंने जिनको, मैंने जिनको